दोस्तों दुनिया कहां से कहां पहुंच गई, लेकिन सैमसंग आज भी वही है। कितने न्यू ब्रांड्स आकर अपनी मार्केट बना रहे हैं, लेकिन सैमसंग आज भी वही है। सैमसंग के जो हाई एंड स्मार्टफोन्स है, वहां तो सैमसंग काफी अच्छा काम कर रहा है, बट जो सैमसंग के फैंस मिड रेंज सेगमेंट में या बजट सेगमेंट में सैमसंग का एक अच्छा स्मार्टफोन चाहते हैं, वो कहाँ जाए, उन्हें क्या मिलेगा सैमसंग की तरफ से? मैं बताता हूँ उन्हें क्या मिलेगा। उन्हें मिलेगा 9,990 में सैमसंग गैलेक्सी J4 जैसा स्मार्टफोन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, साथ में बेल आइकन भी दबा देना ताकि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब आप ही बताओ कि आज की डेट में ये फोन कौन लेना चाहेगा। वही टिपिकल सैमसंग वाला डिजाइन है, 5.5 इंच का डिस्प्ले है और डिस्प्ले रेजोल्यूशन आपको दिया गया है HD 720p वाला। अब इसमें अच्छी बात यह है कि आपको इसमें मिलता है एमोलेड पैनल। सैमसंग को ये सोचना चाहिए था कि सिर्फ एमोलेड पैनल देखकर कोई स्मार्टफोन नहीं खरीदता, और भी काफी कुछ होता है देखने के लिए। 9,990 में आपको 2GB की रैम मिलेगी 16GB इंटरनल स्टोरेज के साथ। अब मान लिया आपको SD कार्ड के लिए डेडिकेटेड स्लॉट दिया गया है इसमें, लेकिन जो रैम है उसका आप क्या करोगे, उसको कैसे बढ़ाओगे? सिर्फ 2GB की रैम है, ऊपर से आपको मिलता है सैमसंग का ये टच विज जो कि ज्यादा रैम यूज करता है। अब अगर परफॉर्मेंस की बात की जाए तो यहाँ भी कुछ खास नहीं मिलता आपको। इसमें आपको दिया गया है एक्सिनोस का 7570 क्वाड कोर CPU, स्नैपड्रैगन 425 के लेवल की आपको इसमें परफॉर्मेंस मिलेगी। बैटरी आपको मिलती है 3000 mAh की और कैमरा आपको रियर में मिलता है 30 MP और फ्रंट कैमरा 5 MP। अब आप ही बताओ कि क्या आप 10,000 पे करोगे इसके लिए? अब कुछ लोग कहेंगे कि सैमसंग तो सैमसंग होता है, उसकी एक ब्रांड वैल्यू है, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि ब्रांड वैल्यू के नाम पे आपको क्या मिल रहा है 10,000 में 2GB की रैम। उम्मीद करता हूँ आने वाले टाइम में बजट सेगमेंट में कोई ऐसा स्मार्टफोन निकाले सैमसंग जो मैं आपको रिकमेंड कर सकूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियोस लाने वाला हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।